ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। जानिए बिल्व पत्र का महत्व और बिल्व पत्र चढ़ाने की पद्धति। बिल्व वृक्ष में देवता निवास करते हैं, इस कारण बिल्व वृक्ष के प्रति अतीव कृतज्ञता का भाव रखकर उससे मन ही मन प्रार्थना करने के उपरांत उससे बिल्व पत्र तोड़ना आरंभ करना चाहिए। शिवलिंग की पूजा के समय बिल्व पत्र को औंधे रख एवं उसके डंठल को अपनी ओर कर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर बिल्व पत्र को औंधे चढ़ाने से उससे निर्गुण स्तर के संपदन अधिक प्रक्षेपित होते हैं, इसलिए बिल्व पत्र से श्रद्धालु को अधिक लाभ मिलता है। सोमवार का दिन चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी तथा अमावस्या, ये तिथियां एवं संक्रांति का काल बिल्व पत्र तोड़ने के लिए निषिद्ध माना गया है। बिल्व पत्र शिवजी को बहुत प्रिय है, अतः निषिद्ध समय में पहले दिन का रखा बिल्व पत्र उन्हें चढ़ा सकते हैं। बिल्व पत्र में देवता तत्व अत्यधिक मात्रा में विद्यमान होता है, वह कई दिनों तक बना रहता है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम, यह मंत्र का उच्चारण करते हुए शिवलिंग पर एक एक बिल्वपत्र चढ़ाना चाहिए। अखंड बिल्व पत्रम नंदकेश्वर सिद्ध्यर्थे लक्ष्मी, बिल्वाष्टकम में उल्लेखित यह पद के अनुसार बिल्व अपने आप में लक्ष्मी सिद्ध है। इसकी विशेषता रुद्राक्ष के एक मुखी स्वरूप के बराबर है, इससे वास्तु दोष भी खत्म होता है और यदि इसे तिजोरी में रखकर नित्य दिन पूजा करने से व्यापार में वृद्धि होती है, रुके हुए धन वापस मिलता है। यदि हवन के दौरान बिल्व के फल से आहुति दी जाए तो मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति होती है। मां शारदा अर्थात मां भगवती को बिल्व पत्र अर्पण करने से कई तरह की सिद्धियां प्राप्त होती है। किसी भी परिस्थिति में दुख नहीं होता, कई जन्मों के पाप का नाश होता है। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे 12 ज्योतिर्लिंग फेसबुक पेज से जुड़े।